सैनार धाम जाएंगे, हम जाएंगे द्वारका जाएंगे, फलना जाएंगे, वो आज तक महामारी और एक चीज को देखने नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग को मेरा जो 16 वार्ड का मरवाड़ी हाई स्कूल में मेरा पंप वही से 45 में पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है। अरे आप चुप रहिए, हम जवाब देंगे, आप चुप रहिए, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे इनका, हमको बोलने दीजिए, हम जवाब देंगे। आप बोले हम 16 का बात उठाए ना, निगम आपका भी नहीं सुन रहा। एक मिनट, हाँ कम्प्लेन जब करते हैं तो पानी आ जाता है, ठीक है, उस पर कार्रवाई होती है, फिर अगर छूट दिया जा रहा है तो फिर अभी 4-5 दिन नहीं आ रहा, अभी जनता कह रहे हैं कि 16 वार्ड। अरे आप चुप रहिए, राम जी है वो बोले हैं कि 45 वार्ड में पानी नहीं जाए, तो हम अभी कंप्लेन कर दिए हैं, इसका कल अब आज संडे है कल। अच्छा माननीय पार्षद जी से पूछा जाए कि इन्होंने जो समर सेबल करवाया वो क्यों फेल हो गया, उसको अभी तक इनका क्या निदान है, पूछिए पार्षद जी से, सारा जनता पूछ रहा है। समर सेबल करवाया खेत में पानी पहुंचाने के लिए, 3 साल पार्षद जी को हो गया, 3 साल वार्ड में पार्षद जी को हो गया, रोड है जो 45 का रोड है, वार्ड पार्षद के लेकर नहीं बन रहा है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। नहीं जुड़ पाने के कारण उसमें नहीं हुआ, हाँ। वो अभी तक खराब है, मैंने कंप्लेन कई बार कर चुका हूँ, हाँ। आप पता कर सकते हैं आपका नगर निगम हाँ। नहीं चलता, हाँ। लेकिन वहाँ कितना कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक नगर निगम अभी नहीं सुनी है, लेकिन बोल रही है कि अभी जो टेंडर होगा उसी में वो निदान हो जाएगा, पाइपलाइन सवाल है, जनता का प्रतिनिधि है, कैसे समाधान होगा, इनसे पूछिए अभी तक वार्ड नंबर 45 में घूमने का नहीं आया एक बार भी, जब से जीते तब से पूछिए, काम कहाँ हो रहा है, आप एक बार सुनिए, पार्षद जी से पूछिए, पार्षद जी से मैं पूछ रहा हूँ आपके पत्रकार कागज से कि 10 दिन का पानी घुसा हुआ है, महामारी आया है, नगर आयुक्त आपको चूना और क्या कहते हैं उसको ब्लीचिंग पाउडर का पैसा आपके जेब में नहीं है, तो वहाँ छिटवा के कम से कम सहानुभूति का दो गोली बोलने आ पाते, ये बात नगर आयुक्त आपको जेब से देंगे, नहीं पार्षद से सुनिए पार्षद जी का जवाब सुनिए, इंटरव्यू आप लोग पत्रकार भाई है, सुनिए पार्षद जी का जवाब, ऐसे निष्क्रिय पार्षद से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, पार्षद को अपने जेबी से ब्लीचिंग पाउडर 10 रुपया का उपकार नहीं है, वो आपके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट, आप लोग क्या करते हैं, आप सुनिए, जनता से पूछते हैं, मेरे पास 10 रुपया नहीं है, जहाँ हम ब्लीचिंग पाउडर छीटेंगे तो आप वोट किस आधार पर लिए, आप किस आधार पर वोट लिए, इसके पहले भी पार्षद थे, दीपलाल थे, कोर्सन मातो थे, और एक फेरबार से मतलब किया है, मानिए हम पूछ रहे हैं पत्रकार से इस बात का मुद्दा को आप हाईलाइट करके पार्षद के को मंत्री जी को नगर आयुक्त को दिखाइए कि पार्षद आपके क्या बोल रहे हैं, प्रतिनिधि है तो मेयर को दिखाइए, सारा जनता देख रहा है, बोलिए नहीं होता है तो आप इस्तीफा, बाढ़ का पानी है अभी तक झांकने तक भी नहीं आया वार्ड पार्षद जी, आपने बोला 10 लाख का पॉकेट में नहीं है छिटवाने के, तो आप लोग भी क्या मतलब की उम्मीद रख सकता है कि आदमी अपना कॉलोनी में, सुन लीजिए हम लोग आप तो बहुत जगह गए हैं, बताइए आप पत्रकार बंधु को क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा कोई पार्षद आपको दिया है, बोलिए आप क्यों नहीं, आप चुप्पी क्यों है, नहीं बोलिए आप, ऐसा दिया है, इनको मौका दीजिए।